हेलो एवरीवन, आज के प्रश्नोत्तर जो हैं वो मियां नसीरुद्दीन पाठ से संबंधित हैं। इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ जो गद्यांश से संबंधित भी हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि पाठ और पाठ की लेखिका का नाम बताइए। पाठ है मियां नसीरुद्दीन और लेखिका है कृष्णा सोबती। दूसरा प्रश्न है, नानबाई किसे कहते हैं? मियां नसीरुद्दीन को खानदानी नानबाई क्यों कहा जाता है? नानबाई कहते हैं रोटियां पकाने वाले को, और खानदानी वो इसलिए थे क्योंकि उसकी कई पीढ़ियां जो थी वो रोटियां बनाने का काम कर रही थी और रोटियां बनाने के काम में माहिर थी, इसलिए मियां नसीरुद्दीन को खानदानी नानबाई कहा जाता है। पाठ में एक शब्द आया है, हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के से क्या आशय है? हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के जो हैं दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में हजारों हजार प्रतिभाशाली लोग रोजाना अपनी चकाचौंध दिखाकर चहल पहल मचाए रखते हैं, उन्हें कहा है। नसीरुद्दीन को मसीहा क्यों कहा है? नसीरुद्दीन को मसीहा इसलिए कहा है क्योंकि वह रोटियां बनाने की कला में माहिर था और वह इस कला में इतना कुशल था कि उसका काम करने का ढंग बिल्कुल कुशल कारीगरों जैसा था, इसलिए उसे मसीहा कहा है, कलाकारों का मसीहा। हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में वह एक था। प्रश्न है, नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी? नसीरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले में थी और वह एक प्रसिद्ध कारीगर था। लेखिका उससे मिलने जाती हैं और उसकी दुकान छोटी सी अंधेरी सी थी, वहां उससे कई प्रकार से प्रश्न पूछती हैं, लेकिन मियां नसीरुद्दीन को पत्रकारों से नफरत होती है, इसलिए वह बाद में उनका जवाब कम देना शुरू कर देता है। पंच हजारी अंदाज से क्या आशय है? पंच हजारी अंदाज क्या होता है? पहले ज़माने में जब मुग़लों का राज होता था तो 5,000 की सेना के जो अधिकारी होते थे उसे पंच हजारी कहते थे, और 5,000 सैनिकों के अपने अंडर में होने के कारण उसके नेता में चाल ढाल में बोल में अकड़ होती थी और एक आत्मविश्वास होता था। वैसा ही बातचीत के समय पर मियां नसीरुद्दीन में नज़र आता है, इसलिए लेखिका ने उनके अंदाज को पंच हजारी अंदाज बताया है। प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन अखबार नवीशों के बारे में क्या राय रखते थे? अखबार छापने वालों को वो निठल्ला मानते थे और छापने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी। उनकी नज़र में दोनों ही चीज़ें व्यर्थ हैं और सिर खफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है, उल्टे समाज में व्यर्थ की उथल पुथल मचती है। प्रश्न आ जाता है, नसीरुद्दीन के स्वभाव की प्रमुख विशेषता बताइए। नसीरुद्दीन का सबसे बड़ा विशेष स्वभाव यह था कि उसमें अत्यधिक आत्मविश्वास है, साथ ही लापरवाही है, और वह अपने आप को एक मंझा हुआ कलाकार मानता है, इसलिए वह हमेशा अपने खास अंदाज में यानी पंच हजारी की तरह सिर हिला करके लेखिका से बातें करता है। नसीरुद्दीन ने लेखिका को आंखें तरेर कर क्यों देखा? क्योंकि उसका स्वभाव तुनक मिजाज था और उसमें गर्व और आत्मविश्वास था, क्योंकि वह एक खानदानी नानबाई था, इस वजह से उसे अपने कलाकारी का थोड़ा गर्व था। नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, प्रश्न है, और आजीविका के लिए वह कौन सा धंधा उसने अपनाया? नसीरुद्दीन का खानदानी धंधा था नानबाई का, और अपनी आजीविका के लिए भी उसने रोटियां बनाने का ही हुनर अपने लिए अपनाया। प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने नानबाई का धंधा किससे सीखा? नसीरुद्दीन के पिताजी उसके गुरु थे और उसने जो भी कार्य था, जो कलाकारी थी बहुत ही गहनता से रोटियां बनाने की, वह सब कलाकारी अपने पिता से उसने सीखी थी।
प्रश्न आ जाता है, नसीरुद्दीन को अपने खानदान और हुनर पर गर्व क्यों है। नसीरुद्दीन अपने समय के प्रसिद्ध नानबाई थे और उनको 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी। बादशाह आदि ने भी उसके हाथों की बनी हुई रोटियां खाई थी और उनका मानना था कि आग में भी, कुएं में भी वो रोटियां पका सकते हैं बिना आग के, और इसलिए उसे अपनी कला पर गर्व था और उसे खुद को भी 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी, इसलिए उसे अपने ऊपर ज़्यादा आत्मविश्वास था। नसीरुद्दीन के स्वभाव की विशेषता मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद जो है, लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से उसके बेटे और बेटियों के बारे में पूछना क्यों टाल दिया। बाद में उसको झल्लाहट होने लगी, इसलिए अब उसने, लेखिका ने सोचा कि अभी ये प्रश्न पूछेगी तो ये कुछ आपको पलट कर जवाब दे देगा, इसलिए बेटे बेटियों का की बात छेड़ना एक लंबा प्रसंग था, उसके लिए फुर्सत का समय चाहिए, इसलिए उसके काम का समय जानकर लेखिका ने उससे उसके बेटे बेटियों के बारे में नहीं पूछा। प्रश्न आ जाता है, मियाँ नसीरुद्दीन अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। मियाँ नसीरुद्दीन जो थे अपने कर्मचारियों से कभी भी मुफ्त में सेवा नहीं लेते थे और वे लड़कों को काम सिखाते थे, साथ ही काम के बदले में अच्छी मजदूरी भी दी जाती थी। मियाँ नसीरुद्दीन का स्वभाव अगर इस पाठ में देखेंगे तो वह बहुत ही सुस्पष्ट है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, साथ ही वे लड़कों को काम भी सिखाते हैं और किसी भी बात का बेबाक होकर के जवाब देते हैं। उनके वचनों में पूरा जोश है और बल है। प्रश्न आ जाता है, तुन की क्या है और उसकी क्या विशेषता है। तुन की एक रोटी का नाम है जो पापड़ से भी अधिक पतली होती है। कई बार आपने मुहावरा भी सुना होगा, तुनक मिजाज, यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला मिजाज जो होता है वो इसी नाम से बना है। तुन की एक प्रकार की रोटी है जो बहुत जल्दी टूट जाती है, बहुत ही पतली होती है। मियाँ ने लंबी सांस क्यों भरी, उन्हें किस बात का अफसोस है। मियाँ ने दुख प्रकट करने के लिए सांस भरी कि आजकल पहले जैसे खाने के शौकीन लोग नहीं रहे हैं और आजकल खाने की कोई कद्र नहीं है, इसलिए पहले के समान जैसे खाने पीने के रसिया लोग होते थे, तरह तरह की रोटियां वो खाया करते थे, आजकल वैसे लोगों का अभाव पाया जाता है, इसलिए मियाँ नसीरुद्दीन को काफ़ी दुख हुआ। उनमें फक्कड़पन है मियाँ नसीरुद्दीन में, और साथ ही आत्मविश्वास भरा हुआ है। जब बादशाह का प्रसंग आता है तो मियाँ की रुचि लेखक के बातों में कम होने लगती है, क्योंकि उसने ये बातें अनेक बार सुनी थी और उसे ठीक से पता भी नहीं था कि क्या बात है। वह लेखिका कोई प्रश्न ना पूछ ले, इसलिए उसका कोई ध्यान उसमें नहीं था। साथ ही वह पत्रकारों को भी निठल्ला मानते थे, इसलिए लेखिका की बातों का रुखाई से जवाब दे रहे थे। लेखिका ने सोचा कि बेटे बेटियों का पूछ ले, लेकिन नहीं, तब उसकी मिजाज देख करके उसने फिर उनसे नहीं पूछा। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र अगर बताना आ जाए तो मैंने आपको उनके विशेषताएं जो बताई हैं, उनके स्वभाव की विशेषताएं वो लिखनी होंगी, और आपको मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें अच्छी लगी इसमें भी आप उसकी विशेषताएं लिख सकते हो। तालीम का यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, तालीम का मतलब होता है पढ़ाई या शिक्षा, तो वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम करके पढ़ना, ये पढ़ाई सीखी है, यानी कलाकारी सीखी है रोटियाँ बनाने की। आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, ये अमूल्य चतुर्वेदी चाहे सफल पहलवान न हो किंतु अच्छे प्रशिक्षक अवश्य हैं, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे ये मुहावरे इसमें यूज हुए हैं, घूर घूर कर देखना, कनखियों से देखना, टेढ़ी निगाह से देखना, तो इनके आपको मीनिंग पता होने चाहिए, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मियाँ का रहन सहन कैसा है, अत्यंत साधारण है उनका रहन सहन। उनकी दुकान बहुत ही मामूली है, दुकान में अंधेरा छाया होता है और वे चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे होते हैं। उनके चेहरे पर
अनुभव के निशान की मार है, यानी कि वह काफ़ी अनुभवी हैं। जो लकीरें उनके चेहरे पर है उन्हें देखकर यह लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी अनुभव किए हुए हैं। प्रश्न आ जाता है, मियां नसीरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं? सच्ची तालीम वो मानते हैं प्रैक्टिकल अनुभव को, यानी कि आपने काम करके सीखा है या नहीं, या केवल पढ़ाई करके सीखा है। उसके अनुसार जब कोई आदमी पहले बर्तन मांजना, भट्टी में आँच डालना और भट्टी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, लकड़ी डालना, आँच जलाना, भट्टी बनाना, भट्टी की लिपाई करना नहीं सीख लेता है, तब तक वह अच्छा नानबाई नहीं बन सकता है। केवल चारपाई पर बैठकर हुक्म चलाना ही इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसके शब्दों में तालीम को अपनाना पड़ता है। यानी कि कोई भी काम जो आप सीख रहे हैं, कोई कला जो आप सीख रहे हैं, उसे आत्मसात करना पड़ता है, अपनी आत्मा के भीतर समा लेना होता है, तब आप उसमें माहिर हो सकते हो, एक्सपर्ट हो सकते हो। अन्यथा आप काम सीख जाएंगे लेकिन उसमें एक्सपर्टाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। यही हम मियाँ की कहानी को सुन करके सीखते हैं। इस कहानी का या इस पाठ का यदि हम एक तरह से मेन मुख्य जो इसकी सारांश देखें, तो इसमें एक ही सार है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में महारत हासिल कब करता है, जब उसने उस तालीम को आत्मसात किया हो, अपनाया हो। इसी प्रकार से वह मियां नसीरुद्दीन सच्ची तालीम किसी भी सिख को आत्मसात करना मान सकते हैं। इसके बिना सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रश्न आ जाता है, बीते हुए ज़माने और आज के ज़माने में मियां नसीरुद्दीन की क्या राय है?